रोहिंग्या आतंकवादियों ने किया हिंदुओं का नरसंहार, ये मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट में 23 तारीख को ये रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके मुताबिक रोहिंग्या आतंकवादियों ने पिछले साल 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में हुई हिंसा में हिंदू ग्रामीणों का नरसंहार किया था। ये मानवाधिकार संस्था ने रोहिंग्या संकट पर एक रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक 25 अगस्त 2017 को रोहिंग्या आतंकवादियों ने यह नरसंहार किया था। इसी दिन रोहिंग्या आतंकियों ने पुलिस नाकों पर हमला किया था और देश में संकट फैला दिया था। जवाबी कार्रवाई में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या विद्रोहियों के ठिकानों पर छापे मारे, जिसके चलते करीब 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को बौद्ध देश म्यांमार से भागना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार सेना की कार्रवाई को जाति हिंसा करार दिया था, साथ ही सैनिकों और हिंसक भीड़ पर नागरिकों की हत्या एवं गांवों को जलाने का आरोप लगाया गया था। लेकिन एमनेस्टी की रिपोर्ट रोहिंग्या मुसलमानों पर भी उत्पीड़न का आरोप लगाती है। इसमें रखाइन के इलाके में हिंदुओं के जनसंहार की बात शामिल है। यह वही इलाका है जहां सेना मीडिया को कब्र में सड़ गई लाशों को निकालने की कार्यवाही दिखाने में ले गई थी। उक्त रोहिंग्या आतंकवादी संगठन अराकान रोहिंग्या सेल्वेंशन आर्मी ने इन हत्याओं की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन मानवाधिकार संस्था ने अपनी जांच रिपोर्ट में पुष्टि करते हुए कहा है कि संगठन ने हिंदुओं को मारा था, जिसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल थे। ये हत्याएं उत्तरी मावगंदा के गांव में हुई थी। संस्था ने इस क्षेत्र के लोगों से की गई बातचीत के हवाले से कहा है कि यहां दर्जनों लोगों की आंखों पर पट्टी बांधकर नकाबपोश लोग और सादे कपड़े में आए रोहिंग्या हिंदुओं को शहर से बाहर ले गए। 18 साल की राजकुमारी ने एमनेस्टी को बताया, उन्होंने आदमियों की हत्या कर दी और हमसे कहा कि हम उस ओर ना देखें। उन लोगों के पास चाकू थे और लोहे के राड़े भी। उसने बताया कि उसने झाड़ियों में छिपाकर अपने पिता, भाई, चाचा की हत्या होते हुए देखी थी। संकट से पहले उत्तरी रखाइन मुस्लिम और बौद्ध बहुल इलाका माना जाता था। यह हिंदू समुदाय अल्पसंख्यक थे। माना जाता है हिंदू समुदाय के इन लोगों को ब्रिटिश हुकूमत सस्ती मजदूरी के चलते यहाँ ले आई थी। रखाइन प्रांत में हिंदू समुदाय के नेता भी माउल ने समाचार एजेंसी AFP से कहा कि अब ये हत्यारे बांग्लादेश भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कई गवाह हैं, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला है। लोगों को इन हत्याओं के बारे में बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि रोहिंग्या लोगों पर अत्याचार को वो तवज्जो देते हैं। रोहिंग्या मामले में म्यांमार सरकार की दुनिया भर में आलोचना होती रही है, लेकिन म्यांमार सरकार रोहिंग्या लोगों के खिलाफ किसी भी भेदभाव और हिंसा से इनकार करती रही है। यहाँ पर देखते हैं कि ये उजड़ा हुआ रोहिंग्या का जो बस्ती है, अब बिना रोहिंग्या अब ऐसे दिख रहे हैं रखाइन। ये रखाइन जगह है जहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई थी और ये गैर मुस्लिमों वाला बफर जोन है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहली बात देखेंगे कि ये जो रोहिंग्या का स्थान है रखाइन, वही जगह है जहाँ पर मुसलमानों ने हिंदुओं पर जो है कहर ढहा था। अब ये मॉडल गांव बनने जा रहा है। रखाइन के इस इलाके में अब बौद्ध धर्म के झंडे नज़र आने लगे हैं। इस क्षेत्र को एक मॉडल गांव की शक्ल दी जा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों पर हुई हिंसा को नकारने वाली म्यांमार सरकार कहती आई है कि गांवों को इसलिए साफ किया गया है ताकि वहां लोगों को फिर से बसाने की योजना पर काम किया जा सके।
इसके तहत बेहतर सड़कें और घर बनाए जाएंगी। यहाँ पर देखेंगे इस रखाइन गांव में फिर से आ रहे हैं लोग, पलायन कर रखाइन पहुँचे देश के अन्य इलाकों के लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है। हालांकि जो लोग इस क्षेत्र में अब रहने आए हैं वे देश के दक्षिणी इलाके से आए गरीब हैं, जिनकी संख्या फिलहाल काफ़ी कम है। ये नए लोग इन इलाकों में काफ़ी उम्मीदों के साथ में रहने आए हैं, लेकिन अब भी उन्हें यहाँ से भागे लोगों के वापस आने का डर सताता है। अब तक तकरीबन 7 लाख रोहिंग्या म्यांमार से बांग्लादेश भाग चुके हैं। इस क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए देश में कमेटी फॉर रिकंस्ट्रक्शन और रखाइन नेशनल टेरिटरी का गठन किया गया है। कमेटी को रिफ्यूजी संकट के बाद ही बनाया गया था। एक स्थानीय नेता के मुताबिक जो CRR की योजना इस क्षेत्र को और गैर मुस्लिमों वाले बफर जोन के रूप में स्थापित करने की है। रखाइन से सांसद ओ हला शाह कहना है कि अब तक ये क्षेत्र मुस्लिमों के प्रभाव में रहा है, लेकिन अब जब वे यहाँ से चले गए हैं तो इसमें रखाइन के लोगों को जगह मिलेगी। उन्होंने बताया कि CRR यहाँ रहने वालों के लिए घर और पैसे जुटाने का काम करती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में अब तक CRR ने 64 परिवारों के 250 लोगों को रहने की इजाज़त दी है। इसके अलावा 200 परिवारों के रहने को लेकर विचार किया जा रहा है जो फिलहाल वेटिंग लिस्ट में है। इनमें से अधिकतर दिहाड़ी मजदूर या गरीब तबके से आने वाले लोग हैं।